नमस्कार, सुप्रभात। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर राज किशोर पाणी आप मान को स्वागत करुची भाग्य भविष्य लाइफ को। दर्शक बंधु आप मान प्रश्न आपण मान समस्या उपरे आमर कार्यक्रम भाग्य भविष्य आपण मान प्रश्न रहुची समस्या रहुची तले स्क्रीन ने प्लास होतबा नंबर रे आपण हमको कॉल करंतु। कॉल करिया बेले आपण आपकर सठिक जन्म तारीख, जन्म समय एवं जन्म स्थान कहंतु। दर्शक बंधु जेमति कि आपने जानी छंती प्रत्येक दिन आमे किछि विषय उपर आलोचना करछंती। वर्तमान समय रे विवाह उपर आलोचना करछंती। वैवाहिक दाम्पत्य सुख आपनको केमति मिलि परिबो, कोन अछि आपन जातक रे जुग, केबे आपनको मैरिज हबो, मैरिज पार्टनरको स्वभाव आपनको स्वभाव सहित केति मैच करि परिबो, मैरेज पर पारिवारिक सुख शांति आपको किमती मिल पार, मैरेज पूर्व आपत खुशी थे मैरेज पर खुशी रही, मेंटली पीस आपको केपर एवं पर सपोर्ट आपको मैरेज लाइफ को केते मिल पार, ये सब जिनस को लेकिन मन भितर अधिका इच्छा उत्कंठा आसी जाऊँगी, कन्फ्यूजन आसी जाऊँगी, कहीं बहुत समय देखा जा मैरेज लाइफ में किसी ना कि समस्या देखा जा किसी ना कि मतांतर मनातर आसी जाऊँगी, मन भितर डर आसी जाऊँगी। आप जानक चाहते आप मैरेज लाइफ केमती रैरेज पार्टनर केमती रहा स्वभाव चरित्र के मैच कर पार आपंक सहित आप लव म्यारेज करेंगे कि आरेज म्यारेज आप जतक अच्छी कौन विशेष जुग अच्छे आप जतक मैरेज पाई आज आलोचना करवा विशेषकर कहीं मैरेज विषय आलोचना कर लग्न को देखुं सेकेंड हाउस को देखुं फोर्थ हाउस आपको मानसिक स्थिति मेंटल पीस डोमेस्टिक हैप्पीनेस फोर्थ हाउस को देखा जाए सेवेन्थ हाउस आपको लाइफ पार्टनर केमती रे ट्रेड केमती रखापी केमती रे स्वभाव केमती रहा प्रत्येक व्यक्ति सहित के बुझापणा स्थापन करेंगे आपण लाइफ पार्टनर से सेवेन्थ हाउस को विशेष भाव देखा जाए जहाँ भी आप मैरेज कर मैरेज लाइफ रेते लंगजीविटी रोक से एट्थ हाउस को विशेष भाव देखा जाए एट्थ हाउस लॉर्डर कंडीशन केमती रोच एवं ट्वेल्थ हाउस पारिवारिक सुख शांति स्वामी स्त्री मध्य जहाँ भी संपर्क बंडिंग रहा कथा ट्वेल्थ हाउस को विशेषकर देखा जाए जदि ट्वेल्थ हाउस में नेगेटिव प्लानेट रोचार पाप ग्रह अधिका प्रभाव रोचे तेज लाइफ में स्वामी स्त्री मध्य बंडिंग आसपार ना ट्रस्ट आसपार ना अधिका स्ट्रगल करेंगे किंतु वर्तमान समय आलोचना कर लव को लेकिन प्रेम संपर्क को लेकिन केते आपको सक्सेस मिल पार लव मैरेज आपको करें कि ना आलोचना कर देखुं फिफ्थ हाउस को जड़े कलर जोड़ कथा बा हेलो सर नमस्कार नमस्कार कौन तो क्या विषय जानवे पुआ विषय जाने कौन तो पुआ जन्म तारीख 28 जून 1993 समय कौन तो दिन क्या पांच आउ थरे कौन तो दिनो दिन तीन अपराह्न तीन टा पांच अगेन जन्मस्थान कौन तो कौन जाने चाहूँ ती पुंग का विषय आपनों जिन्दर चाकरी रे केबे ठीक भलो तम आसीबा प्रमोशन जग केमिते कौन अच्छी टिके जाने आ चाहंती। अच्छा अच्छा ठीक अच्छे आज्ञा आप जहाँ भी जाना चाहूँ सर्विस को नहीं कि सर्विस बेटरमेंट पर आज चिंता करूँ सर्विस पोजिशन प्रमोशन आप चेष्टा करूँ के जाना चाहूँ किंतु जेहेतु लग्न रोच तुला लग्न और राशि रोचे तुला राशि इंडिविजुअल अधिका अनेस्ट अच्छा आप अधिका परोपकारी रोचे नेचर आपंकर अन्न को साय्य करवा सम्मान करवा प्रत्येक समय आपण रोचे किंतु बहुत समय मानसिक अस्थिरता आसी जाऊँगी बहुत शीघ्र अन्य को सहजे विश्वास कर बहुत समय लाइफ रे किसी ना कि नेगेटिव हो जाऊँगी चिंता करूँ किंतु किसी ना कि लॉस हेला आपंकर किंतु वर्तमान समय जॉब को लेकिन जहाँ भी रिक्वायरमेंट रखुच्च जॉब स्टेबिलिटी को लेकिन अधिका स्ट्रगल करा पड़ू वर्तमान समय कहीं बृहस्पति शुक्र चली वर्तमान जेहतु लग्नाधिपति सेभेन्थ हाउस पोजिशन नौ नवांश में राहु सहित कंजक्शन कर से आप स्ट्रगल कर ठीक भाव में एचिवमेंट मिल पार ना वर्तमान समय किंतु आग को बहुत भल समय अच्छे आपको एचिवमेंट मिल पार जहाँ भी रिक्वायरमेंट रखुच्च जॉब को लेकिन देखते नवेम्बर पर 22 नवेम्बर 2023 बहुत भल समय आब को लेकिन प्रमोशन पोजिशन ठीक भाव में मिल पार किंतु वर्तमान समय अधिका स्ट्रगल होधिका टार्गेट मिलूँ सर्विस किसी ना कि चेंजेस आप लक्ष्य करेंगे देखते बहुत भल समय किसी ना कि चेंजेस आसपार आप लाइफ 2022 सेप्टेम्बर पर 18 सेप्टेम्बर 2022
किंतु जहाँ भी प्रमोशन पोजिशन पाइबे 22 नवेम्बर 2023 पर गोटे प्रतिकार मध्य करूँ लाइफ एचिवमेंट जॉब रे प्रमोशन पोजिशन राइट हैंड मिडिल फिंगर में व्हाइट सफायर पिंधतु आप जॉब पर आप फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव रही आउ जड़े कलेज अच्छे कथा हेलो हेलो सर नमस्कार नमस्कार कौन तो कावे से जानिबे सर मो दादांको विषय रे जानबा छले कौन तो जन्म तारीख 3/10/1997 हां सर 3/10/1997 जन्म समय कौन तो जन्म स्थान संबलपुर जन्म समय कौन तो सर 10:58 रात्र शुक्रवार 10:58 हाँ रात्र शुक्रवार जन्मस्थान संबलपुर कौन जाने चाहती भाई का विषय आप सर गवर्नमेंट जॉब केबे हबो आ मैरिज का सर केबे हबो अच्छा कौन पढ़ापढ़ी कर चुनती वर्तमान सर प्लस थ्री करी थी आ कंप्यूटर करी थी सर अच्छा अच्छा ठीक अच्छे आज्ञा आप जहाँ भी जाना चाहते सर्विस को लेकिन गवर्नमेंट सर्विस को लेकिन अधिक इच्छा रोचे केक्से आपको मिल पार एवं मेरेज को लेकिन प्रश्न रोचे आप जेहेतु लग्न रोचे आप मिथुन लग्न वायुत्व लग्न टेक्निकाल लग्न आपंकर जेहेतु लग्नाधिपति बुध 4th हाउस सूर्य सहित कंजक्शन कर सूर्य बुधर कंजक्शन क्रिएट हो आपंक जातक बुधादि जो क्रिएट होती अधिक स्वाभिमानी अच्छा आपण अन्य को साय करने प्रत्येक समय आप चेष्टा कर चिंता मध्य करु बहुत समय किसी ना कि नेगेट हो जाए मानसिक अस्थिरता जो लाइफ में किसी ना कि नेगेट डिसीजन आपड़ नहीं जी कहीं आप राशि रोचे तुला राशि स्वाति नक्षत्र तुला राशि आप 15/27 जीतु तुला राशि लॉर्ड शुक्र आप 6th हाउस मंगल सहित कंजक्शन कर प्रत्येक समय विलंबर शिकार होती आप जहाँ भी करने को चाहते लाइफ में प्रत्येक समय किसी ना कि नेगेट हो जाए आप सहित आपड़ जहाँ भी डिसीजन नौकरी बहुत समय नेगेट हो जाए लॉस हो जाए मानसिक अस्थिरता मानसिक अशांति प्रत्येक समय लगिक रोचे आपण को कितु वर्तमान समय जॉब पाइबा आप चेष्टा कर बहुत भाला सर्विस अपॉर्चुनिटी आपको मिल पार 2023 मार्च पर 12/3/2023 जहाँ भी योग्यता अच्छी जमी भी आप परिश्रम करेंगे से हिसाब से बहुत भाला सर्विस अपॉर्चुनिटी मिल पार किंतु मैरिज पाई मध्य जानिया को चाहते 7th हाउस मैरिज हाउस 7th हाउस को फोकस करवा जेहेतु 7th हाउस लॉर्ड बृहस्पति 8th हाउस बकरी अच्छी नीच अच्छी से मैरिज में अहेतुक विलंब हो वर्तमान समय जहाँ भी चली मैरिज देखो बहुत भाला समय आस मैरिज 2023 सेप्टेम्बर पर 13/9/2023 पर मैरिज रोग रोज घर टू उत्तर पूर्व दिगरे आपको मिलेज हम किंतु मैरिज पर फ्यूचर पर वर्तमान समय गोटे चंडी पूजा आप करूँ चंडी पूजा विशेषकर सर्व बाधा प्रसमन्नम त्रैलोक्य साखिलेश्वरी एवो मेवो तोया कार्यम मस्मद वैरी विनाशनम ए मंत्र को संपूर्ण संपूर्ण करूँ सप्तशती चंडी में बहुत शीघ्र मैरिज हम बहुत शीघ्र जब पाइपर आपड़ जब अन्य प्रतिकार करूँ राइट हैंड लिटिल फिंगर में गोटे पान्ना पिंधतु एवं राइट हैंड मिडिल फिंगर में व्हाइट सफायर पिंधतु आप जब आप फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव रही आउ जड़े कले जो सहित कथा हेलो 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 सर नमस्कार नमस्कार कहतु क्या जानते कौन तो आपन को जन्म तारीख हो? 14/5/1988 आउ थरे कौन तो? 14/5/1988 14/5/1988 समय कौन तो? अरे जन्म समय कौन तो? 9:09 ठीक 9:09 जन्म स्थान कौन तो? बरमपुर गंगल कौन जाने चाहते आप विषय अच्छा अच्छा ठीक अच्छे आज्ञा आप जहाँ भी जाना चाहते बिजनेस किंतु बिजनेस को सक्सेस मिल पार ना जेहेतु लग्न रोचे आप मिथुन लग्न बिजनेस लग्न वायुतत्व लग्न टेक्निकल लग्न किंतु लग्नाधिपति बुध आप जेहेतु 11th हाउस पोजिशन रखुच्छी सूर्य सहित
कंजक्शन अच्छी सूर्य बुधर कंजक्शन क्रिएट हो बुधातिथ्य पंचायत क्रिएट हो अधिका अनिष्टि आपंक भीतर होची अधिका स्वाभिमानी मध्य आपण अछंती टेक्निकली मध्य स्ट्रांग अछंती किंतु आपंक राशि रहूची कर्कट राशि पोष्या नक्षत्र कर्कट राशि आपंकर 8/4 जेतु सेकंड हाउस रे चंद्र मंगलर कंजक्शन होची चंद्र मांगली जो क्रिएट होची वर्तमान समय आपण बिजनेस करचंती किंतु बिजनेस पई बहुत बल समय वर्तमान नु हो कहकना शुक्र रे केतु वर्तमान कंटिन्यू करूची जोटा कि आपंक चालिबो 2022 अगस्त पर्यंत 24 अगस्त 2022 पर्यंत नेगेटिव रोची वर्तमान समय आपण जहाँ भी बिजनेस करचंती बिजनेस रे नेगेटिव रहिबो किंतु बिजनेस जहाँ भी करचंती बिजनेस रे एते भल जोग आपन जातक नै किंतु आपनको बहुत बड़ा रहिबो सर्विस रे अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा सर्विस रे अपॉर्चुनिटी आपनको मिलि परिबो बहुत बड़ा समय मध्ये आसुचि आपनकर 2022 सेप्टेम्बर परे परे 7 सेप्टेम्बर 2022 परे परे बहुत बड़ा सर्विस आपणको मिली परिबो किंतु अधिका परिश्रम करैको पड़िबो बहुत बल परिश्रम जदि आपण करूछंती तले बहुत बल सर्विस मेच्योर सर्विस आपणको मिली परिबो किंतु जदि बिजनेस आपण करूछंती तले बहुत कम इन्वेस्टमेंट रे बिजनेस करंतु जा भी बिजनेस पय डिसिजन नबाक चाहूछंती आपण नै परिबे 2022 अगस्त परे परे 29 अगस्त 2022 परे परे बिजनेस आपण करि परिबे किंतु बहुत बल बिजनेस रो जोग नै बहुत कम इन्वेस्टमेंट रे बिजनेस करंतु विशेष कर देखंतु खाद्य संबंध जिनसक नहीं आप बिजनेस करते आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिल पार ग्रोसरी आइटम को लेकिन आप बिजनेस करते विशेष करूँ बिजनेस गोटे प्रतिकार करूँ राइट हैंड रो लिटिल फिंगर में गोटे पान्ना पिंधतु और राइट हैंड रो इंडेक्स फिंगर में ब्लू मून पिंधतु मानसिक स्थिरता लाइफ रे प्रॉपर डिसीजन बहुत पॉजिटिव रोक आउ जड़े कल जो सहित कथा हेलो हेलो आज्ञा कहतु क्या विषय जानवे ठीक कह ठीक कौन चंदी 9:30 आगे 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 सर आगे जन्मस्थान कौन तो जन्मस्थान नो लंदन कौन जाने चाहूं चंदी भौनी का विचार आपनो आगे तर से जगह बाहर का ठीक है ला एंट्री दी जगह बाहर का ठीक है कि भाई जाने नहीं बट आउ गो टू टिकट का सेटा हेई पाउनी तो केते हबो कौन से हबो को अच्छा सेटे जाने का चंदी ठीक अच्छे आज्ञा आप विशेषकर मेरेज पर जानक चाहते के मेरेज हम मेरेज आपंकर जहाँ भी प्रोसेस करुँच प्रोसेस आपंकर आग को बढ़ी पार ना जहाँ भी प्रस्ताव आसू आपण को ठीक भाव में प्रस्ताव आसी पार ना शेष मुहूर्त में भांगी जाऊँ लग्न रोचे आपंकर तुला लग्न और राशि मध्य रोचे तुला राशि लग्नाधिपति राशियाधिपति शुक्र दाम्पत्य सुखर कारग्रह शुक्र जेहतु आपंकर भाग्य स्थान पसंद हो मंगल सहित कंजक्शन करुँ वर्तमान समय चलती शनि मंगल शनि दशा आपंकर वर्तमान कंटिन्यू करुँचु शनि विलंब को रिप्रेजेंट कै शनि आप सेभेन्थ हाउस बकरी अच्छी प्रत्येक कार्य आपंकर विलंब हो वर्तमान पर्यंत एवं लाइफ में जहाँ भी आपको मिल अधिका विलंब होधिका होल्ड हम किंतु वर्तमान समय जहाँ भी मेरेज पर प्रोसेस करलंब हो जाऊँगी लेट हो जाऊँगी बहुत बड़ा समय आपंकर आसब मेरेज पर देखु 2022 डिसेम्बर पर 26 डिसेम्बर 2022 बहुत बड़ा समय आपको मेरेज हो पार घर टू दक्षिण पूर्व दिगरे आपको मेरेज हम कि मेरेज पर वर्तमान समय गोटे प्रतिकार करूँ गोटे चंडी पूजा करूँ चंडी पूजा विशेषकर गौरी मंत्र को संपूर्ण संपुट करूँ हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांता कांता असुदुर्लभाम ए मंत्र को संपूर्ण संपुट करंतु सप्तती चंडी रे बहुत शीघ्र मेरेज हे बहुत बड़ मेरेज पार्टनर पाइपारे आप मेरेज पर अनेक प्रतिकार करूँ राइट हैंड रो मिडिल फिंगर व्हाइट सफायर पिंधतु आपंकर मेरेज आप फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव रहा तो दर्शक बंधु वर्तमान समय ही गोटे ब्रेक रो ब्रेक पर आलोचना जारी रखा ब्रेक पर स्वागत दर्शक बंधु जमीक आलोचना करव को लेकिन लव मैरिज को लेकिन
ଏବଂ ବିବାହକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜରେ ଆପଣ କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ଲାଗିକି ରହୁଛି। ଯାହା ବି ଲଭ୍ ପାର୍ଟ ଆପଣ ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଫେଭରେବଲ୍ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମନମୋଟାପ ଲାଗିକି ରହୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଲଭ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ଆପଣଙ୍କ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ମଧ୍ୟ ଲଭ୍ର ଏତେ ପଜିଟିଭ୍ ଯୋଗ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟାଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଲଭ୍ କାରଣରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାତକରେ ଯୋଗ ଅଛି। ଲଭ୍ରେ ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ଯୋଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଲଭ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଲଭ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ ନାହିଁ, ଲଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇକି ଆସିବେ। ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା, କିଛି ନା କିଛି ଲିଟିଗେସନ୍ ଆସିଯାଉଛି ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ, ଲଭ୍କୁ ନେଇକି ଲଭ୍ରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିକି ରହୁଛି, ବହୁତ ସମୟରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଧୋକାର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଲଭ୍ର ହାଉସ୍, ବଣ୍ଡିଂର ହାଉସ୍ ଏବଂ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର ହାଉସ୍। ଯଦି ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ମେଚ୍ୟୁର୍ ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ଯାହା ବି ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣ ଚଏସ୍ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍, ଏବଂ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ସ୍ୱଭାବ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜଡ଼ିତ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ, କାହା ନାଁରେ ଅଛି? ହ୍ୟାଲୋ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ, କାହାର ଆପଣ ଦେଖିବେ, କାହା ନାଁରେ ଘର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର କି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଆପଣଙ୍କର? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଆପଣଙ୍କୁ ଫେଭରେବଲ୍ ରହିବ, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଶନି ପଶ୍ଚିମର କାରକ ଗ୍ରହ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ଆପଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ରୋଗର ଶିକାର ଆପଣ ହେବେ, ଘର ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଆପଣ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରର କଲର୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ, ବିଶେଷ କରି ସିଲଭର୍ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଟାଙ୍ଗନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଫେଭରେବଲ୍ ହେଉନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଯବଧାନ ଗୋମୂତ୍ରକୁ ଧୋଇକି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ଟାଙ୍ଗନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଆସୁଛି, ଯାହା ବି ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ବହୁତ ଭଲ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଲଭ୍କୁ ନେଇକି, ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ନେଇକି ଏବଂ ବିବାହକୁ ନେଇକି କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କେତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କେତେ ହେପିନେସ୍ ରହୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମ୍ୟାରେଜ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଉପରେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖର କାରକଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଉପରେ, ସ୍ପାଉସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଉପରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶୁକ୍ର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲଭିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରହିବ। ଯାହା ବି ଲଭ୍ ପାର୍ଟ ଆପଣ ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଲଭ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇପାରିବ, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ସପୋର୍ଟ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶୁକ୍ର ଆପଣ ଜାତକରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ନାହିଁ, ଶୁକ୍ର ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଲଭ୍ରେ ଫିଲିଙ୍ଗ୍ସ ଆସିବ ନାହିଁ,
ଲଭ୍ରେ ଇମୋସନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, ଲଭ୍ରେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲଭ୍ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଯଦି ଶୁକ୍ର ଶନିରେ ଯୋଗ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲଭ୍ରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ସୁଖର କାରକ ଲଭ୍ର କାରକ ଏବଂ ଶନି ଦୁଃଖର କାରକ। ଯଦି ଶନି ଶୁକ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଶନି ଶୁକ୍ରର ଜ୍ୟୋତି ରହୁଛି, କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ବି ଆପଣ ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲଭ୍ରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ, ଲଭ୍ରେ ଧୋକା ମିଳିବ। ବହୁ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ଦିନ ଲଭ୍ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାରା ଜୀବନ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସମାଜରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକ ଯଦି ଶୁକ୍ର ଶନିର ଯୋଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖିଚାହିଁ ଆପଣ ଲଭ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବହୁ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର ଅଭାବ ରହିବ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍। ଯଦି ଶୁକ୍ର ଶନିର ଯୋଗ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦମ୍ପତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଜବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଶାନ୍ତି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆସିଯିବ। ବହୁ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଡିଭୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକରେ କ'ଣ ଯୋଗୁଛି, କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବେ ଏବଂ କେବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ, କ'ଣ ଦଶା ଚାଲିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି, କେବେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ କଟିପାରିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ, ବିବାହ ପାଇଁ, ଲଭ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଜାତକରେ ଯୋଗ ଅଛି, କେମିତି କରିବେ ପ୍ରତିକାର, ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।